बेशक ड्रीम इलेवन में करोड़ों लोगों के पैसे लगातार डूबते रहे हों, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इन फैंटेसी लीग ने न केवल मालामाल किया है बल्कि उनके करोड़पति बनने का सपना भी साकार किया है। खास तौर पर उत्तराखंड के कई लोगों की किस्मत फैंटेसी लीग ड्रीम इलेवन पर चमकी है। ऐसी ही एक खबर आज राज्य के चमोली जिले से सामने आ रही है, जहां एक पूर्व सैनिक को ड्रीम इलेवन ने करोड़पति बना दिया है। इस खबर से जहां पूर्व सैनिक के परिवार में खुशी की लहर है, वहीं रातों रात उनके करोड़पति बनने की यह खबर पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का हिस्सा बनी हुई है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर के चरी गांव के रहने वाले पूर्व सैनिक सुरजीत नेगी ने बीते दिनों भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए T20 मैच की अपनी टीम फैंटेसी लीग ड्रीम इलेवन पर बनाई थी। उनकी बनाई इस टीम को न केवल नंबर वन की रैंकिंग हासिल हुई बल्कि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि भी जीत ली है। आपको बता दें कि पूर्व में भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके सुरजीत नेगी वर्तमान में राजकीय नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर में बतौर सुरक्षा कर्मी कार्यरत हैं। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।